हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान समाधान में। हम ज्ञान समाधान चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप ज्ञान समाधान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा साल 2020 और मेष राशि वालों क्या खास होगा इस वर्ष आपके साथ। तो चलिए जानते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए ये साल कुल मिलाकर सामान्य रहने वाला है। कार्य क्षेत्र, बिजनेस और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये साल काफी लाभदायक साबित होने वाला है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार इस साल शनि का मकर राशि में गोचर होने की वजह से शनि 24 जनवरी को आपके दशमी भाव में स्थापित होगा। साल की शुरुआत में राहु मिथुन राशि के तीसरे भाव में स्थापित होगा और इसके बाद 23 सितंबर को ये वृषभ राशि के दूसरे भाव में स्थापित हो जाएगा। इसके अलावा बृहस्पति ग्रह 30 मार्च को मकर राशि के दसवें भाव में प्रवेश करेगा और फिर से 30 जून को धनु राशि में पश्चगामी होकर प्रवेश करेगा और पुनः मकर राशि के दसवें भाव में प्रत्यक्षगामी रूप से प्रवेश करेगा। शुक्र ग्रह 31 मई से 8 जून तक अस्त रहेगा। तो आइए अब जानें मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा साल 2020। बात करेंगे सबसे पहले आर्थिक दृष्टि कैसी रहेगी साल 2020 में। साल 2020 की शुरुआत मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छी होगी, लेकिन साल के मध्य में धन से संबंधित परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। जहां एक तरफ आमदनी के अच्छे स्रोत बनेंगे, वहीं दूसरी तरफ साल के मध्य में आर्थिक मामलों के संबंध में कुछ उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि इससे आपको कोई घाटा नहीं होगा, क्योंकि आमदनी के स्रोत उतार चढ़ाव की स्थिति को पूर्ति कर देंगे। धार्मिक कार्य में पैसों का निवेश कर सकते हैं। अप्रैल के माह में विशेष रूप से आर्थिक लाभ होने के संयोग बनेंगे, लेकिन इसके बाद अप्रैल से सितंबर तक आर्थिक स्थिति थोड़ी सी स्थिर हो जाएगी। अगस्त से अक्टूबर तक धन का निवेश सोच समझ के साथ ही करें। इस दौरान आपके खर्चे बढ़ने की प्रबल संभावना है। देखा जाए तो कुल मिलाकर ये साल आर्थिक रूप से आपके लिए फलदायी ही रहेगा। अब बात करेंगे करियर 2020 में कैसा होगा आपका। मेष राशि के जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से ये साल काफी अच्छा बीतने वाला है। साल की शुरुआत में आप अपनी जॉब बदल भी सकते हैं, तो भाग्य इसमें आपका पूरा साथ देगा। इस साल आपको रुतबा और भरपूर शोहरत मिलेगी। इस साल के मार्च और मई के महीने में आप किसी उच्च पद पर विराजमान हो सकते हैं, साथ ही उच्च पदाधिकारियों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। चूंकि शनि आपके दसवें भाव में विराजमान होगा, इसलिए करियर के लिहाज से ये साल आपके लिए काफी अच्छा बीतने वाला है। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इससे आपको कुछ हानि नहीं होगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, कहीं लंबी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है तो ये समय आपके बिजनेस के प्रसार के लिए बेहद उपयुक्त होगा। बिजनेस करने वालों के लिए मार्च से मई तक का महीना बेहद खास बीतेगा। बात करेंगे पारिवारिक जीवन साल 2020 में। इस साल पारिवारिक जीवन में उथल पुथल रह सकती है। परिवार में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होने से मन अशांत रह सकता है। हालांकि मार्च से जुलाई तक का वक्त पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छा गुजरेगा। अपने परिवार के लिए किसी सुखभोगी चीज को आप खरीद सकते हैं, जिससे आपके घर में उमंग और खुशियां आएंगी। चूंकि शनि आपके चौथे भाव में है, इसीलिए परिवार में ज्यादातर अशांति का माहौल रह सकता है। नवंबर और दिसंबर के महीने में परिवार में किसी मांगलिक कार्य होने की संभावना बनेगी। धार्मिक कार्यों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। घर पर पूजा पाठ भी आप करवा सकते हैं। सितंबर के महीने में घर या गाड़ी खरीदने का योग बन सकता है। वही साल के अंत में परिवार के में खुशियों का आगमन होना तय है। हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की शिक्षा साल 2020 में कैसे रहेगी। मेष राशि के स्टूडेंट्स के लिए मार्च और अप्रैल का महीना काफी अच्छा बीतेगा। इन्हें जहाँ एक तरफ अपनी कड़ी मेहनत का पूर्ण लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ जून से जुलाई के महीने में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें पूरा जोर कोशिश करनी पड़ेगी। सितंबर का महीना इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए बेहद खास बीतने वाला है, क्योंकि इस दौरान मंगल, शनि और बृहस्पति तीनों ही पश्चगामी रहेंगे। वहीं अक्टूबर से नवंबर के महीने में आपको अपनी मेहनत का मनचाहा फल मिलेगा। सरकारी नौकरी के प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को इस दिशा में अच्छे समाचार मिल सकते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने के योग भी सहयोग बन सकता है। अब बात करेंगे स्वास्थ्य साल 2020 में। मेष राशि के जातकों को साल की शुरुआत में अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ जहां तक आपके खुद की सेहत की बात है, तो इस साल अपना खास ख्याल रखें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस साल के मार्च, नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको अपनी सेहत पर
विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। अक्टूबर से नवंबर के महीने में जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है, लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो थोड़े समय के बाद सेहत में सुधार हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये साल आपके लिए थोड़ी नाउम्मीदी भरा रह सकता है, तो ध्यान रखें। अब बात करेंगे प्रेम संबंध साल 2020 में। मेष राशि वालों, 2020 अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो ये साल प्रेम और रोमांस के लिए अति उत्तम सिद्ध होगा। संभव है कि प्यार में आपको स्थिरता ना मिले, लेकिन इस साल आपके और आपके प्रेमी के बीच एक प्यार भरा बंधन बेशक पूरे वर्ष बरकरार रहेगा। प्रेम संबंधों में अपने अहंकार को कभी बीच में आने ना दे, इससे आपका नुकसान हो सकता है। अप्रैल से जून के बीच आपके पार्टनर के साथ आपकी बहस हो सकती है, लेकिन ये आपके प्रेम संबंध को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। सितंबर के महीने में आपके पार्टनर के साथ आपकी प्यार भरी तकरार हो सकती है। इसके अलावा अक्टूबर के महीने में आपका प्यार परवान चढ़ेगा, इस दौरान अपने पार्टनर के साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। अगर आप नए प्यार की तलाश में हैं तो साल के अंत में आपकी जिंदगी में नए प्यार का आगमन संभव है। अगर आप अपने प्यार का इजहार किसी से करना चाहते हैं तो अक्टूबर का महीना इस काम के लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा। प्यार के मामले में इस समय आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। व्यापक रूप से देखा जाए तो ये साल मेष राशि के जातकों के पक्ष में रहेगा। बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए खास उपाय साल 2020 में। मेष राशि वालों, इस वर्ष अच्छे परिणामों के लिए कुछ खास उपाय अवश्य करें। इस साल नियमित रूप से अगर आप छाया पात्र का दान करें तो ये आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। इसके अलावा इस साल अच्छे परिणामों के लिए किसी मिट्टी या फिर लोहे के बर्तन में सरसों का तेल डालकर उसमें अपना चेहरा अवश्य देखें और फिर उसे किसी मंदिर में दान कर दें तो पूरा वर्ष मंगलमय रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई ये सभी जानकारी पसंद आई हो तो आप ज्ञान समाधान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।